हेलो, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, आपके सिलेबस में बहुत कुछ तो बचा रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ज़्यादा उसमें से आता भी नहीं है, पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम जनगणना और एनजीओ किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद आपका एक टॉपिक है नागरिक सुरक्षा, उसका पीडीएफ मैं आपको आपके नोट्स के तरह से दे दूंगी। ठीक है, पीडीएफ में बना दिया है मैंने, वो आपको इसी वीडियो के साथ मैं उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और इसके बाद उसके बीच में जो संयुक्त राष्ट्र संघ आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, आपका उसके बाद टॉपिक ये सांप्रदायिकता, जातीयवाद और संप्रदाय वो आतंकवाद हो जाएगा, उसके अंदर के बाकी टॉपिक गुट निरपेक्षता वगैरह हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बाकी है, तो ये वाला आज हम पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या कैसे पढ़ना है। जनगणना से आप क्या समझते हैं? हालांकि आप इस शब्द से पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे, आपको ये पता होगा कि जनगणना किसे कहते हैं। जन धन गणना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। जनगणना का मतलब है लोगों की गणना, लोगों की गिनती, लेकिन मात्र लोगों की गिनती से ही जनगणना नहीं हो जाती। आधुनिक अर्थ में जनगणना से तात्पर्य है किसी क्षेत्र, किसी देश, किसी ग्राम, किसी भी उपक्षेत्र या नगर में रहने वाले निवासियों की संख्या के साथ साथ उनकी संपूर्ण जानकारी, जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, उनके क्या वो करते हैं, क्रियाकलाप, कार्यकलाप, निवास, उनके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, मतलब उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने लोग जॉब में हैं, कौन उस पर आश्रित हैं, और धर्म, इसके साथ साथ क्या वो कृषि पर निर्भर हैं या उद्योग धंधे, पशु धन उनके पास कितना है, खनिज और प्राकृतिक उनका जो रहने का रहन सहन है वो क्या है। तो ये जो समसामयिक जो विवरण प्रस्तुत करता है, क्रमबद्ध विवरण, वैज्ञानिक विवरण, उसे हम जनसंख्या कहते हैं, सॉरी जनगणना कहते हैं। तो जनगणना वैसे तो संसार में सभी देशों में कराई जाती है लगभग किसी अपने अपने तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ लोगों की संख्या नहीं बताती है वहाँ, बल्कि वहाँ पर उपलब्ध निवासियों की संख्या और कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय का भी संबंध हो जाता है, क्योंकि लोग कितने काम करते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं जो वर्किंग हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं जो उस पर आश्रित हैं। तो एक समसामयिक विवरण प्रस्तुत करती है जिस पर प्रशासनिक आयोजन संबंधी सरकारी नीतियाँ निर्धारित होती हैं कि कौन, इसी जनगणना से तो पता चलता है कि कौन गरीबी की जनसंख्या से नीच रेखा से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, कौन मध्यम वर्ग में है, कौन उच्च वर्ग है, कौन उच्च मध्यम वर्ग है, कौन निम्न मध्यम वर्ग है। तो ये सब जो है वो जनगणना के द्वारा ही हो पाता है, जिसके कारण ही सरकार ये पता लगा पाती है कि जो देश है वो विकसित है, विकासशील है या निर्धन है, और इसके साथ ही साथ जो है ये भी पता चलता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने जनसंख्या की गति दर क्या है, बढ़ने की दर क्या है, कितने लोगों को व्यवसाय मिला हुआ है, कितने लोग जॉब में हैं, सरकारी में हैं, प्राइवेट में, ये संपूर्ण जानकारी मतलब मिलती है, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत कुछ निर्भर करती है इसके ऊपर। और जो सरकार जितनी भी जैसे मनरेगा या कोई सरकारी जो भी जितनी भी नीतियाँ निकालती है, जो भी पंचवर्षीय योजना जैसे पहले होती थी, तो उसमें जो होता है कि सरकार इतने इतने समय तक 5 वर्ष के अंदर ये लक्ष्य रखती है, तो वर्तमान में तो नीति आयोग हो गया, तो उसमें भी कौन कौन सी उसको नीतियाँ निकालनी है वो सब कहीं ना कहीं जनगणना पर निर्भर होता है। भारत में अब तक 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना मानी जाती है, और 2021 में अब ये होने वाली है, और आप सभी परिचित होंगे कि इसके बीच में ये NPR आया था, जिसके कारण बहुत सारी असुविधाएं भी हुई थी लोगों को, और बहुत सारे इसके लिए विवाद भी उत्पन्न हुए थे, जो कि अभी न्यूज़पेपर्स और इसमें बहुत तेज़ी से फैला हुआ भी था। तो जनगणना में आप समझ लीजिए कि वहाँ पर रहने वाले नागरिकों की संपूर्ण जानकारी कहीं ना कहीं विदित हो जाती है सरकार को। ये जो प्रचलन था वो कहाँ से हुआ, कैसे शुरुआत हुई, ये तो नहीं पता है अभी तक, लेकिन फिर भी ये है कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जब भी कोई पारिवारिक संगठन होता था, तो उसमें जो उसमें हेड होता था
वो उसे पता होता था सब जो उसका परिवार का कि इस हमारे पूरे परिवार के अंदर कितने लोग हैं, क्या है, वर्ग है, पशुधन है, कि ताकि विपत्ति के समय में जो भी करना हो सके, जो भी अच्छे कदम उठाए जा सके वो कर सके। तो पूर्व वैदिक काल में माना जाता है कि भारत में जो आर्य लोग की जातियाँ थीं वो भी पूरी जाति से संबंधित लोगों का धन धान्य का संपत्ति जमीन जायदाद इसका सब पता होता था। तो ये माना जाता है कि शायद उसी समय से जनगणना शुरू हुई है, लोगों को इसका पता होगा। अब जनगणना का जो एक अंग्रेजी अर्थ है सेंसस जिसे कहते हैं, ये रोम से लिया गया, रोम का प्राचीन शब्द था सेंसस जिससे बना है। और इसमें भी प्रत्येक 5वें वर्ष रोम में परिवार के सदस्यों की संख्या और आर्थिक लेखा जोखा विवरण प्रस्तुत किया जाता था। और सो यहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि इसी का जो जो रोम में ऐसा हुआ था साम्राज्य में, इसी का ही आधुनिक रूप आज जनगणना है, और जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति के परिवार, गांव, मोहल्ला, प्रशासनिक सेवाएं, क्षेत्र हैं कहाँ है, राजनीतिक अंतर्राज्यीय है, राज्य में है, क्षेत्र में कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोग, इन सब का वर्णन किया जाता है। और आंकड़ों का एकत्रीकरण करने के बाद तथ्यों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और जिससे सरकार जो है वो अपनी योजनाओं का जो है वो विस्तार करती है, ठीक है। और अगर कोई योजनाएं किसी एक पक्ष के ऊपर होती हैं या सही योजनाएं नहीं होती हैं तो उनको फिर से आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन और परिवर्तन किया जाता है। तो यही जनगणना है। अगर हम देखें कि एक डेफिनेशन के रूप में भी अगर हम देखें तो किस तरह से शहरीकरण हुआ, किस तरह से जन्म, तो भारत की जो जनगणना है वो भारतीय जो जन्म मृत्यु दर है, शहरीकरण और घरेलू सुविधाएं, इन सबको जानने का एक प्रमुख स्रोत है। और ये महापंजीयक जनगणना, महापंजीयक जनगणना जो की गई थी भारत के रजिस्ट्रार डॉक्टर सी चंद्रमौली के मार्गदर्शन में की गई थी। और ये हमने पहले बताया कि 15वीं जनगणना 2011 की थी, और अब जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी। फिर आता है आपका एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, एनजीओ किसे कहते हैं। एनजीओ क्या है? एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। समाज कल्याण, समाज कल्याण से क्या तात्पर्य है कि ऐसा समूह, ऐसा व्यक्तियों का समूह जिसमें जो समाज सुधार के लिए, कल्याण के लिए बिना किसी धन के जो है, किसी डिमांड के इस तरह का कार्य करता है। तो कुछ रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ होते हैं, एनजीओ होते हैं, और कुछ एनपीओ होते हैं, दोनों ही होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यदि कोई समाजसेवी संस्था आर्थिक सेवा नहीं लेना चाहती है तो वो बिना कल्याण, सामाजिक कल्याण का कार्य बिना रजिस्टर करिए भी करा सकती है, और कुछ रजिस्ट्रेशन करा के भी कराते हैं, जैसे अन्नपूर्णा योजना है या ऐसी कुछ एनजीओ हैं। तो वो अपने कार्य, भारत में बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, इसकी लिस्ट आप देखिएगा। तो इन एनजीओ, एनजीओ किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए कि एक ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। कुछ व्यक्तियों के समूहों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, कुछ में ट्रस्ट आदि बना लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सरकारी ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराइए, सभी आर्थिक सहायता और अनुदान जो सरकार देती है उसके आप जो है अधिकारी हो जाते हैं। एक स्वयंसेवी संस्था होती है जिसका उद्देश्य कोई व्यवसायीकरण नहीं होता, कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता, केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य होता है मानव और समाज का हित। जो एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो है वो स्वयं कुछ लोगों के माध्यम से चलते हैं। तीन प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, सोसाइटी बना ली जाती है, ट्रस्ट होता है, या कंपनी अंडर सेक्शन 25 होता है। सोसाइटी क्या होती है, ये भी 1983 का एक संशोधन है जिसमें एक सोसाइटी में कुछ सदस्य होते हैं जो मिलकर किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए के विकास के लिए अपना संगठन वगैरह चलाते हैं। ट्रस्ट होता है जैसे मंदिर ट्रस्ट होते हैं या विद्यालय ट्रस्ट होते हैं, मिशनरीज में आपने देखा ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य होता है, सरकार इसके अनुदान वगैरह देती है, और कुछ कंपनीज भी होती हैं जो इस तरह के कार्य करती हैं। तो इनकी लिस्ट आप देख लीजिएगा। बाकी आपका ये जो गैर जो है भारत में जो इन तीनों नामों से एनजीओस का रजिस्ट्रेशन कराकर मानव कल्याण संबंधी कार्य किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि आज आप हम लोगों ने क्या पढ़ा, जनगणना और एनजीओ के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, एनजीओ के बारे में पढ़ा, और नागरिक सुरक्षा जो आपका एक टॉपिक है उसकी पीडीएफ मैं इसी के साथ आपको दे दूँगी। तो ये आपके तीन टॉपिक आज कवर हो गए।